ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। एस्टिमेशन ऑफ टी आर ए आर एम एंड एम आर एंड ईयर रिलेशनशिप, ये कल हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इसको समरी दिया हुआ है, टी आर ए आर और एम आर को कैसे आकलन करें, उसका आकलन कैसे करें, मतलब कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एंड ईयर रिलेशनशिप मीन्स उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, व्हाट विल बी द चेंजेज, मीन्स हाउ द टी आर विल चेंज व्हेन एम आर इज इंक्रीजिंग और एम आर इज कॉन्स्टेंट, एम आर इज डिक्रीजिंग, एम आर बढ़ता तो है नहीं है, घट रहा हो, एम आर घट रहा हो तो टी आर में कैसे चेंज आएगा, एम आर अगर कॉन्स्टेंट है तो टी आर में कैसे चेंज आएगा और ए आर में कैसे चेंज आएगा, ये सारी चीजें रिलेशनशिप का मतलब है। तो एस्टिमेशन टी आर इज इक्वल टू ए आर इन टू क्यू, एक फार्मूला ये हुआ। सेकेंड टी आर इज इक्वल टू एम आर, थर्ड टी आर इज इक्वल टू ए, टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू, एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर, टी आर और एम आर के बीच में क्या संबंध है, वेन टी आर इज कॉन्स्टेंट, वेन टी आर इंक्रीजिंग है एट कॉन्स्टेंट रेट, जब टी आर जो है एक स्थिर दर से बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, एम आर विल बी कॉन्स्टेंट, एम आर शुड बी कॉन्स्टेंट वेन टी आर इज इंक्रीजिंग विद कॉन्स्टेंट रेट। अगर टी आर एक स्थिर दर से बढ़ रहा है तो एम आर को कॉन्स्टेंट होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, बिकॉज इंक्रीज इन टी आर और चेंज इन टी आर इज इक्वल टू एम आर, जो भी चेंज होता है टी आर में वो किसके बराबर होता है, एम आर के बराबर होता है, ठीक है। जो भी चेंज हो रहा है टी आर में वो किसके, एम आर के बराबर है। तो टी आर कॉन्स्टेंट है तो चेंज कॉन्स्टेंट है, मीन्स एम आर इज कॉन्स्टेंट। सो इट विल हैपन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार रहेगी तब ऐसा होगा, एम आर कॉन्स्टेंट रहेगी एंड इन परफेक्ट कंपटीशन एम आर एंड ए आर विल बी इक्वल, एम आर और ए आर दोनों बराबर होगी परफेक्ट कंपटीशन में। सेकेंड, व्हेन टी आर इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, एम आर शुड बी डिमिनिशिंग, अगर टी आर जो है वो घटती हुई दर से बढ़ रहा है, मीन्स चेंज इन टी आर इज डिक्रीजिंग, जो भी परिवर्तन हो रहा है टी आर में वो कम होता जा रहा है, कुल संप्राप्ति में अंतर कम होता जा रहा है, मीन्स एम आर इज डिक्रीजिंग, एम आर भी कम हो रहा है, बिकॉज टी आर का जो चेंज है वो एम आर ही शो करता है, टी आर अगर घट रहा है मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन घटती इधर पे बढ़ा तो एम आर घट रहा है। सो दिस सिचुएशन विल अकर अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में डिटेल में जानेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, चैप्टर नंबर 12 में। व्हेन टी आर इज मैक्सिमम एम आर इज जीरो, जब टी आर अधिकतम होता है तो एम आर जीरो होता है। व्हेन टी आर इज डिमिनिशिंग एम आर इज निगेटिव, जब टी आर कम होने लगेगा तो एम आर क्या हो जाएगा, निगेटिव, जब टी आर नीचे झुक जाती है, टी आर कर्व डाउनवर्ड ट्रेंडिंग शुरू हो जाती है। रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर, व्हेन ए आर इज डिक्रीजिंग एम आर शुड बी डिक्रीजिंग फास्टर देन ए आर, अगर ए आर कम हो रही है तो एम आर कम होगा लेकिन एम आर में जो कमी आएगी वो ए आर से ज्यादा आएगी कमी, सो एम आर विल बी लेसर देन ए आर, एम आर क्या होगा, ए आर से कम होगा, कब कम होगा, जब ए आर कम हो रही, मीन्स द प्रोड्यूसर द फर्म इज डिक्रीजिंग द प्राइस, जब फर्म जो है प्रोड्यूसर जो है प्राइस कम कर रहा है, कीमत कम कर रहा है, तो ए आर भी कम होगी, एम आर भी कम होगी, लेकिन एम आर जो है एम आर में ज्यादा कमी आएगी। सो दस डाउनवर्ड स्लोपिंग एम आर कर्व इज बिलो डाउनवर्ड स्लोपिंग ए आर, ए आर कर्व ऊपर रहेगी उसके नीचे रहेगी एम आर कर्व, जैसे
ए आर कर्व ये जाएगी तो उसके नीचे से जाएगी एम आर कर्व ऐसे। इफ ए आर इज कॉन्स्टेंट एम आर इज इक्वल टू ए आर, अगर प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, कब नहीं चेंज होता है, परफेक्ट कंपटीशन में, अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस डज नॉट चेंज, देन ए आर एंड एम आर बोथ विल बी इक्वल, ए आर और एम आर दोनों इक्वल होंगे जब कीमत स्थिर है, ए आर कॉन्स्टेंट है। एम आर कैन बी निगेटिव बट नॉट ए आर, एम आर निगेटिव हो सकती है लेकिन ए आर निगेटिव नहीं हो सकती है, कोई माइनस में नहीं बेचेगा कि माइनस पाँच रुपये का अपना सामान बेचते हैं, ए आर तो तभी माइनस में होगी जब टी आर माइनस में होगी, टी आर तो कभी माइनस में नहीं होगी, अगर जीरो सेल होगा तो भी जीरो ही ए आर आएगी, जीरो ही टी आर आएगी। सो ए आर कर्व किसके बराबर होती है, कल क्या बताए थे, ए आर कर्व इज ऑल्सो डिमांड कर्व ऑफ द फर्म, ए आर कर्व जो होती है फर्म की डिमांड कर्व भी होती है, बिकॉज ए आर इज इक्वल टू प्राइस, ए आर जो किसके बराबर होता है, प्राइस के बराबर होता है, ठीक है। ए आर का शोज द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड एवरेज रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मांगी गई मात्रा के बीच में संबंध दिखाता है ए आर कर्व। सो ए आर कर्व इज ऑल्सो द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म, एक आर कर्व जो होती है औसत संप्राप्ति वक्र होती है, वो क्या होती है, फर्म की मांग वक्र भी होती है। व्हाट इज फर्म्स प्राइस लाइन, फर्म के प्राइस लाइन ये क्या कौन से होते हैं, फर्म की प्राइस लाइन वही डिमांड कर्व होती है, एवरेज रिवेन्यू कर्व होती है। इसका शेप कैसा होता है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन इट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होगा, एक सीधे लाइन होगी, सीधे रेखा होगी, कैसी, एक्स अक्ष के समानांतर, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में। बट अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ए आर एंड एम आर बोथ विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, अगर परफेक्ट कम वो क्या बोलते हैं इसको, एकाधिकार, एकाधिकार होगा या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता होगी, तब दोनों जो कर्व हैं, दोनों वक्र हैं, नीचे की तरफ झुकेंगी, नीचे की तरफ जाएंगी। फर्म्स रिवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट्स, अब यही जो ऊपर हमने पढ़ा है कर्व, अब अलग अलग मार्केट में देखेंगे कैसे कैसे अलग अलग मार्केट में इनका आकार रहता है, फर्म्स रिवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट्स। तो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट, तीन तरह की मार्केट होती हैं, इसके अलावा भी और होती हैं, डुओपॉली, ऑलिगोपॉली, उन सबको नहीं पढ़ना है अभी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इन्हीं तीन के बारे में समझेंगे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपॉली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार। फर्म्स रिवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट मीन्स परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या रहेगी रिवेन्यू कर्व फर्म की। सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन एनी फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी, एनी नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ हिज कमोडिटी, हिज प्रोडक्ट एट द गिवन प्राइस। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत सारी फर्म रहती हैं, तो कोई भी प्रोड्यूसर जो है, कोई भी फर्म है, वो कोई भी मात्रा में वस्तु बेच सकता है, अपना गुड बेच सकता है दी गई कीमत, मतलब अंडर परफेक्ट कंपटीशन द फर्म इज प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, फर्म होती है प्राइस टेकर होती है, कीमत स्वीकारक होती है, कीमत निर्धारक नहीं होती है, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म होती है कीमत स्वीकारक, जो भी कीमत है उसी कीमत पे बेचना है। सो ही कैन
sell 10 units, 20 units, 40 units, 50 units, 100 units, any number of quantity he may sell. कोई भी संख्या में अपनी वस्तु बेच सकता है, 10 भी बेच सकता है, 20 भी बेच सकता है, 40, 50, 100 कुछ भी बेच सकता है, ठीक है. So he will not try to increase the price. Why? Because if he increases the price, the customer may shift to other shops, other firms, other producers. अगर ये perfect competition में producer जो है वो ज़्यादा price लेने की कोशिश करेगा, बहुत सारे producer हैं A, B, C, D, E, F, these are the producers in the firm, sorry, the producer in the market, ये सब market में producer हैं, all are same, selling the identical product, perfectly substitute product, पूर्ण प्रतिस्थापन या पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं ये लोग बेच रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम बेच रहे हैं, ठीक है. इफ ए इंक्रीजेज द प्राइस देन हिज कस्टमर विल शिफ्ट टू अदर फर्म्स. ए ने अगर कीमत बढ़ा दी तो कोई जो बाकी लोग हैं उनके पास उसके कस्टमर चले जाएंगे, तो इसलिए कोई भी जो है कीमत नहीं बढ़ाएगा, ठीक है. अब कीमत तो नहीं बढ़ाएगा, समझ में आ गया. अब लेकिन कीमत घटाएगा क्यों नहीं, घटाने से जो है ना, घटाने से तो इनका वो फायदा है ना, बाकी कस्टमर आ जाएंगे. घटाते भी क्यों नहीं है, बढ़ाते तो नहीं है लेकिन घटाते क्यों नहीं है. बिकॉज इफ एनी वन डिक्रीजेज द प्राइस देन ऑल द फर्म्स विल डिक्रीज द प्राइस एंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन द फर्म्स आर ऑलरेडी selling their product at the minimum price. जो कीमत है पहले से ही मिनिमम है, न्यूनतम जितना हो सकती है कम से कम पहले से ही है. आप और कम करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कहाँ से लाएंगे फिर, ठीक है. और कम करने का मतलब फिर कुछ है नहीं है. अंडर परफेक्ट कंपटीशन द फर्म और ऑलरेडी सेलिंग दियर प्राइस ऑन दियर कॉस्ट, अपनी कॉस्ट पे अपनी लागत पे पहले से ही बेच रही हैं तो और कम नहीं कर सकती हैं, इसलिए क्या होगा, फर्म की जो प्राइस है सेम रहेगी. एक्स वाई ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सोल्ड आर गिवेन, ऑन वाई एक्सिस ए आर मीन्स प्राइस is given. So price will not change under perfect competition. Perfect competition में कीमत नहीं बदलेगी, ठीक है. कीमत बिल्कुल एक जगह फिक्स होगी P. It is not going to change. अब ये change नहीं होने हैं. अगर कोई market में कुछ विशेष परिस्थितियाँ नहीं आती हैं तो कोई नहीं change करेगा. If raw material there is change in the prices of raw material then, or if the there is any change in the prices of factors, then there may be some change in the price. अगर कच्ची सामग्री कच्चे माल में कुछ कीमतों में परिवर्तन आता है, कच्चे माल की कीमतों में परिवर्तन आता है, या जो फैक्टर इनपुट हैं, कारक सेवाएं हैं या कारक जो भी हैं उनकी कीमत में परिवर्तन आता है, तब तो कीमत कोई बदलेगा नहीं. ऐसे कोई नॉर्मल सिचुएशन में नहीं बदलेगा. सो द प्राइस इज फिक्स, डिमांड में भी Q1 और इट में भी Q2 और इट में भी Q3 और Q4, एनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज कैन बी सोल्ड ऑन द सेम प्राइस. कीमत यही रहेगी तो इसी कीमत पे चाहे Q1 भी बेच सकता है, Q2 भी बेच सकता है, Q4 भी बेच सकता है, कुछ भी बेच सकता है प्रोड्यूसर. सो द डिमांड कर्व मीन्स द एवरेज रिवेन्यू कर्व विल बी will be a horizontal line parallel to x-axis. x-axis के समांतर बिल्कुल horizontal line रहेगी. horizontal मतलब क्षैतिज रेखा होगी, औसत संप्राप्ति की वाली रेखा. और जब AR constant है तो MR भी constant रहेगा और किसके बराबर रहेगा, MR. so AR and MR both are shown by same कर्व. एक ही कर्व से AR को भी दिखाएंगे, MR को भी दिखाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं. और ये किसके बराबर है, इक्वल टू P, प्राइस के बराबर है, ठीक है. तो परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा बनेगा एवरेज रेवेन्यू कर्व.
कीमत बदलेगी नहीं, इसी कीमत पे हो सकता है कि Q1 क्वांटिटी बिक जाए, हो सकता है Q2 बिक जाए, हो सकता है Q3 बिक जाए, हो सकता है Q4 बिक जाए, ठीक है, कुछ भी बिक सकता है। सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व ऑफ एनी फर्म विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट विल बी ए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी औसत संप्राप्ति वक्र किसी भी फर्म की, और औसत संप्राप्ति वक्र सीमांत संप्राप्ति वक्र के बराबर होगी और कीमत रेखा के भी बराबर होगी, ठीक है। ये इतना हो गया किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में कीमत नहीं बदलेगी, क्यों नहीं बदलेगी, अगर कीमत बढ़ाएंगे तो हमारे कस्टमर चले जाएंगे, कीमत घटा नहीं सकते हैं, पहले से ही मिनिमम प्राइस पे बेच रहे हैं, न्यूनतम कीमतों पर बेच रहे हैं। अभी इसमें किसी को कोई समस्या, इतने में कोई प्रॉब्लम है, इतना 10 सेकेंड के अंदर बता दो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन द फर्म इज प्राइस टेकर, प्राइस टेकर होती फर्म। देखो फर्म्स रिवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन व्हेन द फर्म इज सेलिंग 1 यूनिट द प्राइस इज ओनली 5। He can sell 1 unit, he can sell 2 units or 3 units or 4 units, but price is constant, कीमत जो है स्थिर है। फर्म 1 unit भी बेच सकता है, 2 भी बेच सकता है, 3, 4 कुछ भी बेच सकता है। So average revenue is equal to price, average revenue कीमत के बराबर है, भी constant है। TR is equal to AR into Q, AR और Q यानी क्वांटिटी, जो नंबर आप यूनिट्स फर्स्ट कॉलम में दिए हैं मल्टीप्लाई करके देख देंगे। MR इज द डिफरेंस ऑफ AR ऑफ 2 सक्सेसिव यूनिट्स, दो क्रमागत इकाइयों की TR में जो अंतर है वो होता है MR, तो वो भी दिया है। MR इज कांस्टेंट, AR इज कांस्टेंट, एंड MR एंड AR बोथ आर इक्वल टू प्राइस। अब ये कर तो हमने समझा दी है, डिमांड कर, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, सब कुछ यही है। ड्रॉ AR एंड MR कर्व्स फॉर ए फर्म व्हेन इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिड्यूसेस फ्रॉम ₹12 टू ₹10 पर यूनिट। अब हमें यहाँ पे क्या, एक AR और MR वक्र तैयार करना है एक फर्म का। कौन सी फर्म है, परफेक्ट कंपटीशन पूर्व प्रतियोगिता बाजार वाली फर्म है, तो प्राइस तो कॉन्स्टेंट रहेगा, प्राइस में चेंज नहीं होगा। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट रिड्यूसेस फ्रॉम 12 टू 10, जब 12 रुपीज थी तब दूसरी कर्व थी, जब 10 है तब दूसरी है, अब 12 से कम होके 10 हो गई है। सो अवर प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट एंड इट विल बी इक्वल टू ₹10। अब जब 12 रुपए से घट के कीमत हो गई 10 रुपया प्रति इकाई, तो अब हमें 10 रुपया ही दिखाना है, बदलेगा नहीं, हर जगह पे 10 रुपया रहेगा। सो ऑन वाई एक्सिस ₹10 इज गिवेन, on y axis we are showing price, average revenue and marginal revenue, ये तीन चीजें दिख रही हैं, औसत संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति और कीमत, तीनों दिख रहा है y axis पे। on x axis number of units that are sold, जो भी कीमत वस्तु में, जब जो भी वस्तु की मात्रा बेची गई वो x axis में दिख रही है। so any number of quantities can be sold on ₹10, 10 ही रुपया में कोई भी मात्रा में हम बेच सकते हैं। तो 10 ही रुपया लिखा है, नीचे क्या हो रहा है, यहाँ पे यहां से लेके हम यहां तक x के लास्ट तक कितना भी चाहे उतना बेच सकते हैं 10 रुपए में, ठीक है। इसके बराबर भी बेच सकते हैं, यहाँ के भी बराबर बेच सकते हैं, यहाँ के भी बराबर बेच सकते हैं, जीरो भी बेच सकते हैं, कुछ भी हो सकता है।
अब आया मोनोपोली के बारे में, रिवेन्यू कर अंडर मोनोपोली. सो अंडर मोनोपोली देयर इज ओनली वन फर्म. मोनोपोली में क्या होता है, एक फर्म होता है, वन फर्म और वन प्रोड्यूसर, एक फर्म कहें चाहे एक प्रोड्यूसर कहें. एंड द फर्म एंड द मार्केट बोथ आर सेम, मीन्स द डिमांड ऑफ द फर्म एंड डिमांड ऑफ द मार्केट बोथ आर सेम. डिमांड वाले चैप्टर हमने पढ़े थे ना पहले, डिमांड के बारे में कुछ ध्यान है? मार्केट डिमांड कर इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर. इंडिविजुअल डिमांड कर का जो समेशन होता है, योग होता है, हॉरिजॉन्टल समेशन होता है मार्केट डिमांड कर. इफ देयर इज ओनली वन पर्सन इन द मार्केट देन मार्केट डिमांड कर एंड डिमांड कर ऑफ द फर्म विल बी सेम. एक ही लोग हैं बेच रहे हैं मार्केट में, और कोई यही नहीं है, वही आदमी मार्केट भी है, वही आदमी फर्म भी है. तो यहाँ पे दूसरे फर्म का कुछ नहीं जोड़ना है, एक ही में हमारी मार्केट भी है, वही फर्म भी है. सो अंडर मोनोपोली देयर इज ओनली वन सेलर, एकमात्र सेलर है. ठीक है, कोई हो गया, फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे. इंडियन रेलवे, देयर इज ओनली वन रेलवे इन अवर कंट्री, इंडियन रेलवे. ठीक है, इंडियन रेलवे ये हो गई, एक ही, इसके अलावा कोई दूसरा तो है नहीं. ठीक, नाउ इफ द इंडियन रेलवे थिंक दैट ही विल दैट ही शुड रिड्यूस द प्राइस सो दैट मोर नंबर ऑफ पैसेंजर्स वुड ट्रेवल. अगर भारतीय रेलवे अब ये सोचे कि कीमत घटा दें, मतलब जो भी टिकट है टिकट्स के रेट कम कर दें तो ज़्यादा पैसेंजर आ जाएं. ठीक है, तो पैसेंजर तो बहुत सारे हैं, मान लिए कि देयर आर 80 पैसेंजर्स, सॉरी देयर आर 100 पैसेंजर्स और 100 पर्सन एट एनी प्लेस. मान लिया एग्जांपल के लिए 100 लोग हैं. ठीक है, आउट ऑफ दीज 80 आर ऑलरेडी ट्रेवल थ्रू ट्रेन. इसमें 100 में से 80 लोग जो हैं पहले से ही ट्रेन से यात्रा करते हैं. ठीक है, नाउ इफ द रेलवेज वांट टू गेट मोर पैसेंजर ही विल रिड्यूस, मीन्स इट विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ द टिकट. ये जो टिकट है वो कम, टिकट की कीमत कम करना शुरू कर देगी अगर ज़्यादा पैसेंजर रखना है. सो देयर आर ओनली 20 पर्सन्स लेफ्ट. सो आउट ऑफ दीज 20 मोस्ट ऑफ द पीपल हु वांट टू ट्रेवल दे आर ऑलरेडी ट्रेवलिंग विद इंडियन रेलवेज. अब इस 100 में से जो ज़्यादातर लोग जिनको यात्रा करनी थी पहले से यात्रा कर रहे हैं, अब इंडियन रेलवे अगर कीमत घटाएगी तो बताओ इसको, इसके पैसेंजर तो बढ़ेंगे, लेकिन ये बताओ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे या थोड़े बहुत बढ़ेंगे? बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है बढ़ेंगे. ठीक है, बढ़ेंगे लेकिन बहुत नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग अब बचे ही नहीं हैं. देयर आर वेरी फ्यू नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर लेफ्ट. They may travel or they may not travel. If they require, they may travel. अगर उनको ज़रूरत होगी तो यात्रा करेंगे, नहीं ज़रूरत है नहीं करेंगे. बहुत कम ही लोग बचे हैं, तो अब कीमत घटाने का फर्क तो पड़ेगा. 2 or 4 persons may travel. 2 or 4 number of passengers may be increased, but not all 20 persons will travel. 20 के 20 पूरे नहीं चले जाएंगे, उसमें तो थोड़े लोग जाएंगे ना. तो इसका कीमत घटाने से फर्क पड़ेगा लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला एक चैप्टर पढ़े थे हमने, पहले पढ़ा था ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या क्या शो करता है? रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो इसमें जो इलास्टिसिटी जो होगी इसकी, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस, यहाँ पे लो होगी.
क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टमर इसको नहीं मिल पाएंगे अगर ये अपनी कीमत घटाएगा, बहुत ज़्यादा डिमांड इसकी नहीं बढ़ने वाली है। पहले से जिनको यात्रा करना था तो कर रहे हैं। सो अंडर मोनोपोली इफ द प्रोड्यूसर वांट्स टू इंक्रीज द रिवेन्यू देन द फर्म द प्रोड्यूसर विल डिक्रीज द प्राइसेस, कीमतें कम करना शुरू कर देंगे। अगर मोनोपोली यानी एकाधिकारी चाहता है, मोनोपोलिस्ट चाहता है कि ज़्यादा सेल हो तो कीमत कम करना शुरू कर देगा। सो हेयर द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द प्रोड्यूसर मीन्स द मोनोपोलिस्ट और द ओनर ऑफ द फर्म इज द प्राइस मेकर। देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ना तो कोई निकट का कोई इसका प्रतिद्वंदी है, कोई प्रतिस्थापन वस्तु है, ना कोई दूर की, ठीक है, ना पूर्ण स्थानापन्न वस्तु है। परफेक्ट कंपटीशन में तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट था, इसमें है ही नहीं है, सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, कोई दूसरी जगह जाएंगे नहीं, कीमत बढ़ाएगा तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, 80 में से 2-4% कम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कमी आ जाएगी, क्योंकि दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई रेलवे नहीं है अपने देश में, ठीक है। तो बीइंग अ सिंगल सेलर द प्रोडक्ट मीन्स ही मे चार्ज एनी प्राइस, ही मे फिक्स एनी प्राइस व्हाट एवर ही विशेस टू। तो इफ ही लोवर द प्राइस ही कैन सेल मोर नंबर ऑफ क्वांटिटी, अगर कीमत कम करता है तो ज़्यादा क्वांटिटी बेच सकता है। सो फर्म्स रेवेन्यू कर्व मीन्स एवरेज रेवेन्यू कर्व विल गो डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ अब जाएगी एवरेज रेवेन्यू कर्व। देखो नंबर ऑफ आउटपुट और सेल इज गिवेन इन फर्स्ट कॉलम, पहले कॉलम में लिखा है कितना सेल है कि कितना आउटपुट है। इन द सेकेंड कॉलम एवरेज रेवेन्यू इज गिवेन, इन द थर्ड कॉलम टी आर, फोर्थ कॉलम एम आर। तो एवरेज रिवेन्यू वी ऑलरेडी नो इट इज इक्वल टू प्राइस। एवरेज रिवेन्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है, कीमत के बराबर होता है, ठीक है। व्हेन द प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय रुपी वन, 1 रुपया अगर कीमत कम कर दी गई है, ठीक है, फ्रॉम ₹10 पर टिकट टू ₹9 पर टिकट, नाउ डिमांड इज 2 यूनिट्स, जो डिमांड है 2 यूनिट हो गई, 10 से सॉरी 1 से बढ़ के हो गई 2। तो टी आर इज इक्वल टू 18, 9 इंटू 2, 9 को 2 से गुणा किया तो टी आर आ गया। व्हेन वन रुपी मोर इज डिक्रीज फ्रॉम प्राइस, नाउ डिमांड इज 3 यूनिट एंड टी आर इज 24। जब 1 रुपया और कम किया गया तो डिमांड हो गई 8 और कुल संप्राप्ति हो गई 24। व्हेन 1 रुपी मोर इज रिड्यूस अगेन 1 यूनिट इज इंक्रीज, 1 यूनिट और बढ़ गई, अब 1 रुपया और कम किया गया, सो टी आर इज नाउ 28 एंड एम आर इज 4। टी आर हो गई 28, एम आर हो गई 4। सो वी कैन सी बोथ ए आर एंड एम आर डिक्रीजिंग, ए आर और एम आर दोनों कम हो रही हैं। टी आर इज इंक्रीजिंग बट रेट ऑफ इंक्रीज इन टी आर इज फॉलिंग, टी आर बढ़ रहा है लेकिन टी आर के बढ़ने की दर जो है कम होती जा रही है। हेयर एम आर इज डिक्रीजिंग, वी सी ए आर एंड एम आर बोथ आर डिक्रीजिंग बट एम आर इज लेसर देन ए आर, एम आर जो है वो ए आर से कम है, ए आर 10 है तब एम आर 10 है। वेन एम आर इज सॉरी ए आर इज ₹9 देन एम आर इज ओनली ₹8, वेन ए आर इज ₹8 देन एम आर इज ₹6, वेन एम आर इज सेवन एम आर सॉरी ए आर इज सेवन एम आर इज ₹4। तो हम देख रहे हैं कि जब 10 रुपया है औसत संप्राप्ति तो सीमांत संप्राप्ति 10 रुपया, जब औसत संप्राप्ति कम होगी 9 हुई तो सीमांत 8 हुई, फिर औसत संप्राप्ति ₹8 हो गई तो सीमांत ₹6 हो गई, औसत संप्राप्ति ₹4 हुई तो सीमांत संप्राप्ति रुपये औसत संप्राप्ति सीमांत 7 हुई तो सीमांत संप्राप्ति ₹4 हो गई। तो एम आर ज़्यादा तेजी से कम हो रहा है। सो ए आर कर्व विल बी अबव
एम आर कर्व। ए आर कर्व जो है हम बनाएंगे तो वो क्या होगी, एम आर कर्व के ऊपर रहेगी। ये ग्राफ बना है, ए आर कर्व क्या है, ऊपर है, एम आर जो है वो नीचे है, ठीक है। ये कब है, परफेक्ट नहीं, मोनोपोली में है। फार्म्स रिवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली, ए आर इज अबव, एम आर इज बिलो, ठीक है। ए आर ऊपर है, एम आर नीचे है। और जब भी बनाना है ध्यान रखना है, कोई भी पॉइंट से हमें वाई और ए आर के बीच में एक पेंसिल से पहले लाइन खींच लेना है, फिर बीचों बीच इस लाइन से होके जानी चाहिए एम आर, ठीक है। एम सो ए आर कर्व इज ऑल्सो डिमांड कर्व ऑफ द फर्म एंड डिमांड कर्व ऑफ द मार्केट अंडर मोनोपोली। मोनोपोली में ए आर जो है, ए आर जो वक्र है, ये बाजार का भी मांग वक्र है और फर्म का भी मांग वक्र है। केवल मोनोपोली एकाधिकार के बारे में बता रहे हैं, हर मार्केट में नहीं। हर मार्केट में फर्म की मार्केट डिमांड कर्व अलग होगी और बाजार की अलग होगी, लेकिन मोनोपोली में तो एक ही फर्म है, वही मार्केट भी है, ठीक है। तो नाउ द स्लोप ऑफ ए आर कर्व इज वेरी हाई, सो इट इज इलास्टिसिटी, सॉरी इसकी जो, इसका स्लोप जो है बहुत ज्यादा है, तो इसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम होगी, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी अंडर मोनोपोली विल बी लेस। मोनोपोली में जो कीमत की, कीमत का मांग की कीमत लोच है वो कम होगी। अब रिवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत रिवेन्यू कर्व। अभी हमने देखा था मोनोपोली में, मोनोपोली में एक ही फर्म रहती है, तो अगर वो कीमत कम करती है तो ज़्यादा असर नहीं आता है उसकी डिमांड पे। बट इन मोनोपोलिस्टिक फर्म देयर आर लार्ज नंबर ऑफ, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, मेनी फर्म्स आर ऑलरेडी इन द मार्केट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, बहुत सारे फर्म हैं, ठीक है, मार्केट में। सो इफ देयर आर 100 persons who are in the market who are buyers or customer, 100 लोग हैं customer market में, so out of these 100, 10 are buying from A, 10 from B, 10 from C, 10 from D, 10 from E, 10 from F। हम एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो, हम मान लिए इतने इतने अभी हैं, ठीक है, सबके बायर हैं 60s, फिर 20 ऐसे 10 और कहीं हैं, लास्ट में जो 20 बचे हैं वो नहीं खरीदते हैं, वो अपना काम कहीं और तरीके से करते हैं। मीन्स 80 people आर बाइंग डियर प्रोडक्ट दियर नेसेसिटीज फ्रॉम एनी ऑफ दीज फर्म, 80 इनमें से कहीं पे भी खरीद रहे हैं, ठीक है, ए से या बी से सी से डी से ई एफ कहीं से भी खरीद रहे हैं, जिसको जहाँ पे मर्जी है वहाँ पे खरीद रहा है अपना प्रोडक्ट। एंड दीज ऑल प्रोड्यूसर आर सेलिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ टूथपेस्ट, ए इज सेलिंग सिबाका, बी इज सेलिंग कोलगेट, सी इज सेलिंग क्लोजिया, डी इज सेलिंग पेप्सोडेंट, ई इज सेलिंग डाबर एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, सब अपना अपना बेच रहे हैं, ठीक है। सो नाउ इफ द सिबाका वांट्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू इट विल रिड्यूस द प्राइस। अब सिबाका को अगर कि अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, अपना अपने कस्टमर बढ़ाने हैं या
अपना जो संप्राप्ति है वो बढ़ा रहे हैं तो क्या करेगा, ये अपनी कीमत कम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ही रिड्यूसेस द प्राइस फ्रॉम रुपीज 10 पर यूनिट टू रुपीज 9 पर यूनिट। 10 रुपया से घटा के 9 रुपया अगर ये कीमत कम कर देता है तो क्या होगा, 20 में से दो चार आ जाएंगे सिबाका के पास। 20 पीपल हु वर बाइंग एनी लो क्वालिटी गुड और एनी डूइंग एनी अदर थिंग, जो भी वो करना था वो कर रहे थे, उनमें से दो चार ये आ गए इसके कस्टमर, ठीक है। एंड व्हेन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉल पीपल शिफ्ट देयर डिमांड टू दैट गुड, जिस वस्तु की कीमत कम होती है तो लोग क्या करते हैं उसकी मांग बढ़ा देते हैं। तो द पर्सन हु आर यूजिंग कोलगेट सम ऑफ देम विल आल्सो नाउ शिफ्ट टू सिबाका, सम ऑफ क्लोजअप कस्टमर विल आल्सो शिफ्ट टू सिबाका, सम ऑफ द कंज्यूमर ऑफ पेप्सोडेंट विल आल्सो शिफ्ट टू सिबाका, मीन्स द कंज्यूमर ऑफ अदर ब्रांड अदर फर्म्स विल आल्सो शिफ्ट देयर डिमांड टू दैट प्रोडक्ट विच प्राइस ऑफ विच हैज फॉलन, जिसकी कीमत कम हुई है उस पर बाकी जो भी गुड यूज करने वाले थे, जो भी उपभोक्ता थे, जो दूसरे प्रोडक्ट या क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, वो अपनी डिमांड उस बढ़ा देंगे जिसकी कीमत कम हुई है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब मोनोपोली था, मोनोपोली में क्या था, अगर एक रुपया कम होता था तो थोड़े बहुत कस्टमर आते थे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कस्टमर आ जाएंगे। मोनोपोली में जो भी कंज्यूमर थे पहले से ही पैसेंजर जैसे ट्रेन के थे, वो पहले से जहाँ पे थे वहाँ पे थे, थोड़े बहुत बढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। इफ वन रुपी इज रिड्यूस्ड बाय अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीटर देन बाय एनी वन इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देन ही कैन एक्सपेक्ट मोर नंबर ऑफ बायर्स, मीन्स देयर मे बी मच मोर इंक्रीज इन द डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट। अगर कोई एक पूर्ण प्रतियोगी, क्या पूर्ण प्रतियोगिता नहीं, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में कोई भी फर्म अपनी कीमत कम करती है तो वो ज़्यादा संख्या में उपभोक्ताओं को या उसके जो खरीदार हैं उसको पाने की आशा रखती है, ज़्यादा लोग आ सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं, मोनोपोली में ज़्यादा कस्टमर मिलने की संभावना नहीं थी, मतलब डिमांड में चेंज होने की ज़्यादा संभावना नहीं थी, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में ज़्यादा है, ठीक है। सब विनय प्रताप क्लियर हुआ? रोहिणी क्या समस्या है तुम्हें, क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, समझ में आ गया? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक फर्म अगर कीमत घटाएगी तो उसे जो लोग नहीं यूज कर रहे हैं वो तो मिलेंगे, लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो भी मिलेंगे। और मोनोपोली में क्या है, जो लोग हैं जिनको यूज करना है पहले से यूज कर रहे हैं, अगर बढ़ेंगे तो दो चार ही बढ़ेंगे, तो रिवेन्यू कर्व या डिमांड कर्व जो है यहाँ पे उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। सी रिवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फर्म्स रिवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज सिमिलर टू मोनोपोली एज इलस्ट्रेटेड, बट देयर इज वन डिफरेंस, इट विल बी मोर इलास्टिक। जो फर्म है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो उसकी मांग वक्र या औसत संप्राप्ति वक्र ज़्यादा इलास्टिक होगी, ज़्यादा लोचदार होगी एकाधिकार की अपेक्षा, बाकी वैसे ही स्लोप करेगी नीचे डाउनवर्ड्स लेफ्ट टू राइट। देखो फर्म्स रिवेन्यू अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दीज आर नंबर ऑफ यूनिट्स एंड इन द सेकेंड कॉलम प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज गिवेन, व्हेन प्राइस इज रिड्यूस सेल इज इंक्रीजेस, यहाँ सेल इज इंक्रीज, जब यहाँ पे कीमत कम हो रही है सेकेंड कॉलम में, देखो सेकेंड कॉलम में कीमत दी है या औसत संप्राप्त दी है, जब ये कम हो रही है तो मांगी गई मात्रा बढ़ रही है यानी सेल बढ़ रही है। सो फर्म टोटल रेवेन्यू विल इंक्रीज, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है फर्म का, एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग बिकॉज प्राइस इज नॉट कॉन्स्टेंट, कीमत जो है कॉन्स्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है, इसलिए सीमांत संप्राप्ति कम हो रही है। बट अगेन वी सी
fall in AR is less than fall in MR. MR जो है ज्यादा तेजी से गिर रहा है और AR कम तेजी से गिर रहा है. From 10 to 9.5, 9.5 to 9, then 9 to 8.5. To sell one more unit, 0.5 rupee in price has been reduced. एक यूनिट का सेल बढ़ाने के लिए 0.5 रुपया क्या कर रहे हैं, कीमत में कम कर रहे हैं. इससे मार्जिनल रेवेन्यू में क्या चेंज आ रहा है, देयर इज चेंज ऑफ रुपी वन, मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू इज रिड्यूस बाई रुपी वन. एक एक रुपया सीमांत संप्राप्ति में कम हो रहा है. टी आर तो बढ़ेगा, बट रेट ऑफ इंक्रीज इन टी आर विल फॉल. बढ़ने की जो दर है टी आर में वो कम होगी, टी आर बढ़ेगा क्योंकि इस कीमत चेंज हो रही है, बढ़ने की दर कम हो रही है. रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू एम आर, रेट ऑफ चेंज इन टी आर इज इक्वल टू एम आर. कुल संप्राप्ति में परिवर्तन की दर किसके बराबर है, एम आर के बराबर है. तो यहाँ पे आधा रुपया ही कम करने से कीमत, मतलब डिमांड बढ़ जा रही है. ऊपर हम मोनोपोली में देखे थे तो एक रुपया कम करना पड़ता था, देखो यहाँ पे आधा रुपया ही कम किया है कीमत में, तो भी एक यूनिट बढ़ गई. और ऊपर वाले में मोनोपोली में एक रुपया कम किया था तब एक यूनिट बढ़ी थी, तो उसमें मोनोपोली में क्या था, इलास्टिसिटी कम थी. सो फर्म्स रिवेन्यू कर अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ए आर विल बी अबव द एम आर कर. वाई, बिकॉज एम आर डिक्रीजेस फास्टर देन ए आर. एम आर जो है सीमांत संप्राप्ति वो औसत संप्राप्ति की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से गिरती है, इसलिए सीमांत संप्राप्ति का वक्र औसत संप्राप्ति वक्र के नीचे होगा. ठीक है, सो ये तो बन गया, ये तो सबको समझ में आ गया होगा. वेन द प्रोड्यूसर डिक्रीजेस द ए आर मीन्स प्राइस, देन मोर नंबर ऑफ क्वान्टिटीज कैन बी सोल्ड. एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी दी है, एक्स एच पर मात्रा दी है, तो ज़्यादा मात्रा बेचेंगे जब ये नीचे की तरफ जाएगा, रिवेन्यू जो है औसत रिवेन्यू कम होगा, सीमांत रिवेन्यू सीमांत संप्राप्ति भी कम होगी. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अंडर मोनोपोलिस्टिक कर्व ए आर कर्व इज मोर इलास्टिक, ये डिफरेंस है. बट इन मोनोपोली द ए आर कर्व इज लेस इलास्टिक, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इज मोर इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कीमत, मांग की कीमत लोग ज़्यादा होती है और एकाधिकार में कम होती है, यही दोनों अंतर है. मतलब यही एकमात्र अंतर है, दोनों अंतर नहीं एकमात्र है दोनों में, बाकी सब. और ये बाकी जो चीज़ें हैं गुड में, नेचर ऑफ गुड में है. सो अंडर मोनोपोली देयर इज ओनली वन फर्म, बट अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर मेनी फर्म विच आर सेलिंग क्लोज सब्स्टिट्यूट. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है, बहुत सारी फर्में हैं जो निकट के स्थान पर वस्तु बेचती है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं, निकट है परफेक्ट नहीं है, पूर्ण स्थानापन नहीं है, निकट स्थानापन है मोनोपोलिस्टिक में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में. परफेक्ट किस में होती है, परफेक्ट मार्केट में होती है, परफेक्ट मार्केट में सब कुछ परफेक्ट होता है. ठीक है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ए आर कर ऊपर होगी, एम आर नीचे होगी, बट स्लोप ऑफ ए आर कर विल बी मोर इन मोनोपोली. मोनोपोली में स्लोप ज़्यादा होगा, मोनोपोलिस्टिक में स्लोप कम होगा. ठीक है, जो ढलान है मोनोपोलिस्टिक में कम होगी, मीन्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हायर. मोनोपोलिस्टिक कर जो है उसमें इलास्टिसिटी जो है डिमांड की वो ज़्यादा होगी. अब टाइम कम बचा है तो इसलिए इसको आगे वाला जो है वो कल करेंगे. इसी में अब सारी जो कर्व हैं मिक्स होके सबको एक साथ बताया गया है, और अगर किसी को नहीं समझ में आया है कुछ भी तो बताएगा तुरंत. ठीक है, मेरा सब बचा हुआ है, सब लोग बुक रखे रहे ना, तुरंत क्वेश्चन पूछना जैसे ये खत्म हो जाएगा.
यह यहाँ तक यह सब पूरा हो गया है। फार्म सिवेनी कर और डिमांड कर इन डिफरेंट मार्केट सिचुएशन, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्म के रेवेन्यू कर मतलब कि रेवेन्यू कर का मतलब क्या होता है, ये संप्राप्ति वक्र और मांग वक्र, ये दोनों चीजें तो एक ही होती हैं। ये तो हमने पहले पढ़ा था, एक नाम इसका और था रेवेन्यू कर मीन्स एवरेज रेवेन्यू कर। एवरेज रेवेन्यू कर इज इक्वल टू डिमांड कर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस कर, प्राइस लाइन। फार्म की जो प्राइस लाइन है, कीमत रेखा है, वो भी यही होती है। तो अब इसके अकॉर्डिंग से हम क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच के बारे में देखेंगे। ठीक है, कीमत लोच बिकॉज एवरेज रेवेन्यू मीन्स एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, सो इट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीन्स वी कैन सी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम डिमांड कर और एवरेज रेवेन्यू कर। मांग वक्र या औसत संप्राप्ति वक्र से हम क्या देख सकते हैं, मांग की कीमत लोच पता कर सकते हैं। फर्म्स रेवेन्यू कर डिमांड कर इन डिफरेंट मार्केट सिचुएशन, किसमें कैसे बनती है, ये तो हमने कल पढ़ा था, कौन सी तरह की मार्केट में कैसे बनेगी रेवेन्यू कर। ठीक है, रेवेन्यू कर को डिमांड कर भी बोलते हैं। सो ऑन वाई एक्सिस रेवेन्यू इज गिवेन इन रुपीज, वाई एक्सिस में रुपी में, रुपए में दिया हुआ है संप्राप्ति। ऑन एक्स एक्सिस आउटपुट मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स आर गिवेन, एक्स अक्ष पर आउटपुट दिया है यानी इकाइयां दी हैं, उत्पादन की इकाइयां या बिक्री की इकाइयां जो भी मान लें। सो दिस हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व और हॉरिजॉन्टल एवरेज रेवेन्यू कर्व, दिस अकर इन द सिचुएशन ऑफ परफेक्ट, इन द मार्केट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, जब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होती है तो वहां पर यह स्थिति आती है कि ये क्या ऐसा हॉरिजॉन्टल मतलब कि क्षैतिज रेखा वाला, क्षैतिज आधार पर एक मांग वक्र बनती है, औसत संप्राप्ति वक्र बनती है। सो हेयर प्राइस डज नॉट चेंज, द प्रोड्यूसर कैन चेंज, द प्रोड्यूसर कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑन द गिवन प्राइस, जो भी दी गई कीमत है उस पर कोई भी मात्रा बेच सकता है प्रोड्यूसर। कब बेच सकता है, परफेक्ट कंपटीशन में ही कैन सेल Q1 और Q2 और Q3 और Q4, एनी नंबर ऑफ यूनिट्स कैन बी सोल्ड, कोई भी कुछ भी बिक सकता है क्योंकि सब लोग सेम गुड बेचते हैं। ठीक है, तो जब कीमत नहीं चेंज होती है, कीमत में जीरो चेंज हो रहा है, चेंज इन प्राइस इज जीरो, प्राइस इज इक्वल टू ओपी एवरीवेयर, हर जगह प्राइस कितने के बराबर है, ओपी के बराबर है, चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज फ्रॉम OK1 टू OK2, फ्रॉम OK2 टू OK3 कुछ भी हो सकता है, कि मांग में कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हमको एक पहले वाला एक फार्मूला याद होगा, डिमांड जब हम इस कर्व से निकालते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब डिमांड कर्व या एवरेज रेवेन्यू कर्व से निकालते हैं, तब अगर ये परफेक्ट इलास्टिक होता है तो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बनती है ना, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, हॉरिजॉन्टल एवरेज प्राइस कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व और प्राइस कर्व। सो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक। अगर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होगा तब किसी भी फर्म की जो जो मांग वक्र होगा वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा, और इलास्टिसिटी इसमें कितनी होगी, मांग की लोच, मांग की कीमत लोच कितनी होगी, अनंत होगी, कुछ भी हो सकती है, चेंज ना हो कीमत फिर भी बदल सकती है। अब ये डार्क ब्लू कलर लाइन,
DMC. DMC means monopolistic competition. There is competition, but the level of competition is less than perfect competition market. जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें तो पूरी तरह से कंपटीशन हो रहा है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, लेकिन प्रतिस्पर्धा कम है. एक आधारात्मक प्रतियोगी बाजार में प्रतियोगिता तो है लेकिन कम है. ठीक है, सो हेयर वी कैन सी इलास्टिसिटी मीन्स मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बट लेस देन परफेक्ट. परफेक्ट नहीं है, इलास्टिसिटी है परफेक्ट लेकिन नहीं है. पूर्ण मतलब क्या, पूर्णतः लोचदार मांग नहीं है. यहाँ पे लोचदार है यानी एक से ज्यादा है. ठीक है, जब ज्यादा स्लोप होती है डिमांड कर्व की, या डिमांड कर्व का मतलब यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कर्व है, तो अगर ज्यादा स्लोप है तो इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन वन इफ स्लोप इज मोर, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज हाई. अगर मांग वक्र का मांग वक्र की ढलान ज्यादा है तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा है. इसके बाद डीएम डिमांड इन मोनोपोली मार्केट. मोनोपोली मार्केट वेयर देयर इज ओनली वन सेलर, एक ही बेचने वाला है, एक ही विक्रेता है, तब क्या होगा, द सेलर इफ ही वांट्स टू इंक्रीज द सेल देन ही विल हैव टू रिड्यूस द प्राइस. अगर वो सेल बढ़ाना चाहता है मोनोपोली या एकाधिकारी मोनोपोलिस्ट अगर बढ़ाना चाहता है सेल, तो वो कीमत कम करेगा, कीमत कम करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी. ठीक है, बट व्हेन ही डिक्रीजेस द प्राइस हिज डिमांड विल इंक्रीज बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस. यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है डिमांड की वो कम है. एक सेकेंड, इसमें स्लोप ज़्यादा है, सॉरी डीएमसी में स्लोप कम है, डीएम में स्लोप ज्यादा है. ठीक है, तो जब हाई स्लोप रहेगी तो इलास्टिसिटी कम है, ये वाला डीएम वाला है, इलास्टिसिटी कम इसमें है. जब हाई स्लोप हो तो इलास्टिसिटी कम है, जब स्लोप कम हो तो इलास्टिसिटी ज्यादा है, और जब स्लोप बिल्कुल ना हो तो परफेक्ट इलास्टिक है. तो इसमें जो परफेक्ट मार्केट में डीपी वाली लाइन है पर्पल कलर से, इसमें स्लोप बिल्कुल नहीं है तो परफेक्ट इलास्टिक है. जब स्लोप कम है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है, और जब स्लोप ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी कम है. ठीक है, तो यहाँ ये वाली जो जितना ज़्यादा तिरछी है उतना ज़्यादा स्लोप है. तो डीएम मीन्स डिमांड कर ऑफ मोनोपोली मार्केट इज लेस इलास्टिक, कम इलास्टिक है. यहाँ पे जो मांग है, मांग की कीमत लोच, लो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, मांग की लोच कम है, सबसे कम है मोनोपोली में यानी एक से कम है, और लोचदार है किसमें, लोचदार है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, और पूरी तरह से पूर्णतया लोचदार है परफेक्ट कंपटीशन में. परफेक्ट का मतलब परफेक्ट है. पूर्ण लोचदार कब है, जब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है. कम लोचदार कम कब है, जब कम लोच मतलब कि कंपटीशन है लेकिन कम है. और सब बिल्कुल ही कम, मतलब सबसे कम वाला किसमें है, मोनोपोली में है, एकाधिकार में. तो डीपी ये तो आप सबको समझ में आ गया, डीपी वाला परफेक्ट इलास्टिक है. डीएम मोनोपोली मार्केट का है, इट शोज लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस इज बिकॉज देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द मोनोपोली प्रोडक्ट इन द मार्केट. मार्केट में मोनोपोली प्रोडक्ट की कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है. अगर कीमत कम करेंगे तो जिनको खरीदना था वो तो पहले से खरीद रहे हैं, कोई दूसरा कंपटीटर नहीं है कि उसके जो बायर्स हैं क्रेता हैं वो हमारे पास आ जाएंगे. ठीक है, देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट इन मोनोपोली मार्केट. सो इफ द मोनोपोलिस्ट रिड्यूसेस द प्राइस, so there are very few chances that other means new buyers may come to buy it. नए बायर नए खरीदार आने की संभावना कम है, इसलिए इसकी इलास्टिसिटी कम है, लो है और स्लोप ज़्यादा है. DMC is demand curve under monopolistic competition. It shows high degree of high elasticity of demand. यहाँ पे डीएम में ज्यादा हाई इलास्टिक है, मतलब कि यहाँ पे एक से ज्यादा इलास्टिसिटी है डीएमसी में. तो व्हाई, बिकॉज देयर आर
some competitor, some close substitute, some producer, some firms who are selling close substitute of the firm, of the product. कुछ ऐसे दूसरे विक्रेता हैं या उत्पादक हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे उत्पाद का यानी जो भी हम जिनसे काम जो भी बेच रहा है, जो भी विक्रेता है, उसके उत्पाद का क्लोज सब्स्टिट्यूट बेच रहे हैं। अगर अब कोई भी उत्पादक, कोई भी फर्म अपनी कीमत कम करेगा तो क्या होगा, जो बाकी क्लोज सब्स्टिट्यूट वाले हैं वो वाले बायर मिल जाएंगे हमें। यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, वी कैन एक्सपेक्ट मोर नंबर ऑफ बायर्स इफ यू रिड्यूस द प्राइस इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, बिकॉज अदर बायर्स फ्रॉम अदर शॉप विल कम टू अवर शॉप, buyers from other firm will come to other to our firm, दूसरे firm के सब buyer आ जाएंगे, हमें हमारा product खरीदने लगेंगे अगर हमने कम किया कीमत। आप इसमें देखो, जिसको जो problem है, question है, वो खुद बताए, अपने book रखें, जिसको समस्या है वो पूछता जाए, ठीक है, सबके पास बुक होगी। सबसे पहले एक एक नंबर वाले क्वेश्चन देखना, ठीक है, उसके बाद बताना कौन कौन से जगह समस्या है। जिसके पास बुक नहीं है वो यहाँ पे देखे, इन तीन क्वेश्चन में बताए कोई समस्या हो तो। पहले रेवेन्यू का फॉर्मूला देना है, रेवेन्यू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बी वाला पार्ट सही है। फॉर ए परफेक्टली कम्पिटिटिव फॉर्म प्राइस इज, परफेक्ट कम्पिटिशन है, परफेक्ट कम्पिटिशन में प्राइस कॉन्स्टेंट रहती है, इक्वल टू एम आर, इक्वल टू ए आर, दोनों चीज सही हैं, तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। जिसको समस्या है तुरंत बताएगा। सेलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन, सही समीकरण बताएं, टी आर सिग्मा ए आर, सिग्मा ए आर ये तो गलत है, एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, ये सही है, टी आर इज इक्वल टू ए आर अपॉन, ये भी गलत है, ए आर ये भी गलत है, बी ऑप्शन सही है इसमें। एवरेज रिवेन्यू कैन बी नेगेटिव, नो, इट इज जीरो व्हेन टी आर इज जीरो, यस, कैन नॉट बी नेगेटिव, यस, तो बी और सी दोनों सही है इसमें, फोर्थ नंबर में। अंडर मोनोपोली एम आर कैन बी नेगेटिव ओनली व्हेन, मोनोपोली में एम आर कब नेगेटिव होगी, कब होगी, ए आर इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग में नो, इसमें होना चाहिए ए आर इज डिक्रीजिंग, बी वाला होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, कौन सा सही है, पहला वाला ही सही है, क्यू क्यू कट जाएगा, ए आर इक्वल टू प्राइस हो जाएगा, व्हेन एम आर इज जीरो टी आर इज मैक्सिमम, अधिकतम होता है, जब एम आर जीरो हो तो टी आर टोटल संप्राप्ति, फुल संप्राप्ति अधिकतम होती है। व्हेन टी आर इंक्रीजिंग इंक्रीजेज एट कॉन्स्टेंट रेट, एम आर शुड बी कॉन्स्टेंट, जब कांस्टेंट रेट से टीआर बढ़ रहा है तो एमआर भी कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली में कौन सा, मोनोपोली के बारे में कौन सी बात सही है, एकाधिकार के बारे में, एक ही से लग जाता होता है, एआर कर्व स्लोप्स अपवर्ड व्हाइल एमआर कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ये बात सही है, एमआर कम रहता है एआर से, और मोनोपोली में जो प्रोड्यूसर है वो कीमत कम करके ज़्यादा सेल कर सकता है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहती है, कीमत चेंज होती है, जब कीमत चेंज होती है तो एम आर कम रहती है, ए आर ज़्यादा रहता है। स्लोप ऑफ बोथ ए आर एंड एम आर कर्व्स अपवर्ड, गलत है। सी नंबर, स्लोप ऑफ बोथ एम आर ए आर एंड एम आर कर्व्स इज डाउनवर्ड्स एंड एम आर कर्व्स इज बिलो ए आर कर्व, ये भी बात सही है, एम आर कर्व जो है ए आर के नीचे रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ए पहले वाले में ए आर कर्व स्लोप्स अपवर्ड लिखा है, वाइल एम आर पहला वाला गलत है, इसमें लिखा है कि
AR का जो ऊपर की तरफ जाती है, ये नहीं लिखा कि इसमें MR के ऊपर होती है, ये लिखा कि ऊपर की तरफ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें AR ऐसे जा रही है, MR ऐसे जा रही है, तो ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट वाला नहीं सही होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता है, AR जो है नीचे की तरफ जाती है। ऐसे होता है AR और उसके नीचे MR, ऐसा होता है। तो इसमें कौन सा सही हुआ? सी पॉइंट, सी वाला सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 अंडर परफेक्ट कंपटीशन MR कर्व इज बिलो AR। परफेक्ट कंपटीशन में AR MR नहीं, परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस चेंज नहीं होता है ना। सो इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, AR रिमेंस कांस्टेंट, बोथ बी एंड सी, बी और सी दोनों सही है। प्राइस और AR और MR, कीमत औसत संप्राप्ति सीमांत संप्राप्ति तीनों बराबर होती हैं, और कीमत कहें चाहे एवरेज रिवेन्यू कहें वो कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। व्हाट इज द शेप ऑफ द एवरेज रिवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू सब बराबर हैं, हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फर्स्ट वाला सही है। MR इज डिफरेंट फ्रॉम AR, MR AR से कब अलग होगा, परफेक्ट कंपटीशन को छोड़ के बाकी सारी मार्केट में अलग होगा, तो B और C दोनों सही है, बोथ B एंड C। फर्म्स AR कर्व इज द सेम एज फर्म्स डिमांड कर्व, ठीक है, B वाला केवल सही है। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, AR कर्व इज मोर इलास्टिक अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कम देन अंडर मोनोपोली ड्यू टू, ये बात बिल्कुल सही है, मोर इलास्टिक होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन वन, एंड मोनोपोली में कम होती है इलास्टिसिटी। ठीक, क्यों होती है? लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, लो डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, हाई डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल वाले कहीं भी हमने इस चैप्टर में बात ही नहीं की है, क्यों, ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट की कमी किस में रहती है, मोनोपोलिस्टिक में रहती है, मोनोपोली में रहती है, ये तो मोनोपोली में रहती है ना। अब बात मोनोपोलिस्टिक की कही जा रही है तो सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहते हैं इसलिए इलास्टिसिटी ज्यादा रहती है, बी ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद व्हेन अ फर्म इज एबल टू सेल मोर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट द सेम प्राइस, तो कौन सा है होगा, ये तो परफेक्ट कंपटीशन में होता है, दी गई कीमत में हम कुछ भी बेच सकते हैं, हमें ज्यादा कस्टमर भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं, तो ये कौन होगा, परफेक्ट कंपटीशन में होता है। परफेक्ट कंपटीशन में अब क्या इसकी विशेषता होती है, अगर इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो प्राइस रिमेन कांस्टेंट, सो AR एंड MR आल्सो रिमेन कांस्टेंट एंड इक्वल, ठीक है, बी वाला ऑप्शन फिर इसमें सही हो जाएगा। कीमत जब स्थिर रहेगी तो औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति दोनों बराबर रहेंगे, बी ऑप्शन सही होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो भेज दे, ठीक है, या बोल दे किसी का कोई क्वेश्चन है तो। 16 नंबर, इंक्रीज इन MR इज द रेट एट विच TR इंक्रीजेस और TR चेंजेस। MR जब बढ़ता है तो जो भी MR में वृद्धि हो रही है वह कौन सी दर होती है, TR में वृद्धि होने की दर होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस फ्रॉम 8 यूनिट्स टू 10 यूनिट्स एंड TR इंक्रीजेस फ्रॉम 270 रुपीज़ 270 टू रुपीज़ 200
rupees 300. Then MRH, MR क्या होगा, ठीक है, आउटपुट जो है बढ़ गया है 8 से 10, यानी दो इकाई बढ़ गई, तो इसमें डेल्टा वाला लगेगा फार्मूला, एक यूनिट नहीं बढ़ा है, दो यूनिट बढ़ गई हैं, तो डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा डेल्टा क्यू फार्मूला लगेगा, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, डेल्टा टी आर में क्या होगा, नया वाला जो टी आर है उसमें पुराना वाला माइनस करेंगे, क्या निकालना है, मार्जिनल वैल्यू निकालना है, इज इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, डेल्टा टी आर इज इक्वल टू रुपीज 300 माइनस 270 अपॉन 10 माइनस 8, तो इसमें 15 आएगा, ठीक है, है किसी को कोई बुक में, अपनी बुक में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को बताए, क्वेश्चन नंबर 5, विच कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू इज कॉल्ड प्राइस, कौन सी तरह के रेवेन्यू को हम कीमत कह सकते हैं, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, एवरेज रेवेन्यू औसत संप्राप्ति होती है कीमत के बराबर, डिफाइन प्राइस लाइन, कीमत रेखा क्या है, कीमत रेखा फर्म की औसत संप्राप्ति वाली रेखा है या वक्र है, ठीक है, प्राइस लाइन ऑफ फर्म्स, प्राइस लाइन ऑफ फर्म्स डिमांड कर इज द सेम एज फर्म्स एवरेज रेवेन्यू कर, बिकॉज एवरेज रेवेन्यू मीन्स प्राइस, एंड डिमांड कर और एवरेज रेवेन्यू कर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फर्म्स आउटपुट, फर्म के आउटपुट की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच में संबंध दिखते हैं एवरेज रेवेन्यू कर से, एवरेज रेवेन्यू कर इज इक्वल टू प्राइस लाइन और डिमांड कर ऑफ द फर्म, फर्म की मांग वक्र भी बोलेंगे, फर्म की औसत संप्राप्ति वक्र और फर्म की कीमत रेखा, तीनों। व्हाट इज द शेप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंप्लीशन, टोटल रेवेन्यू तो ऊपर की तरफ जाएगा, टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा ना, कॉन्स्टेंट रेट में बढ़ेगा, अंडर परफेक्ट कंप्लीशन टोटल रेवेन्यू कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से शुरू होती हुई ऊपर स्ट्रेट लाइन होगा, ये कर्व नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्यों होगा, एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू कर्व स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ेगा ना, कीमत तो बदल नहीं रही है, एम आर विल बी कॉन्स्टेंट, सो डेल्टा टी आर विल ऑल्सो रिमेन कॉन्स्टेंट, जो टी आर में परिवर्तन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसके बढ़ने की दर भी कॉन्स्टेंट रहेगी। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन, बोथ आर सेम एंड इक्वल, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। व्हाट आर द शेप्स ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, वही बात है फिर भी, परफेक्ट कंपटीशन में हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है। What are the shapes of average revenue and marginal revenue curve under monopoly? Downward sloping होती हैं दोनों, और MR curve is below AR, MR जो नीचे होती है, AR curve उसके ऊपर से जाती है। What do the marginal revenue and average revenue curves look like under monopoly and monopolistic competition? वही चीज फिर पूछे हैं, वही ऊपर वाला है। Why do the मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व्स लुक अलाइक अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक जैसे ही क्यों दिखते हैं मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ये पूछा गया है, क्योंकि फर्म जो है वो कीमत कम करके ज्यादा बायर्स को अट्रैक्ट कर सकती है। द मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व्स लुक अलाइक अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बिकॉज इन बोथ द मार्केट सिचुएशंस मोर कैन बी सोल्ड ओनली बाय लोअरिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कीमत को कम करके हम ज़्यादा बेच सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेचना है तो कीमत कम करनी पड़ेगी। वेन एवरेज रिवेन्यू इज कॉन्स्टेंट, वाट इज द शेप ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू,
अगर औसत संप्राप्ति कांस्टेंट है, मतलब कीमत नहीं चेंज हो रही, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ए आर एम आर पी तीनों, एम आर ए आर और पी तीनों क्या होती हैं, एक सेम होती हैं, बराबर होती हैं। व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज कांस्टेंट, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, बोथ ए आर एंड एम आर इंडिकेटेड बाई द सेम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समानांतर बनती हुई एक सीधी क्षैतिज रेखा होती है, दोनों ए आर बी और एम आर बी, और वही प्राइस लाइन भी होती है। रीजन बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ग्रेटर प्रोडक्शन ऑलवेज मीन्स ग्रेटर रिवेन्यू, अगर उत्पादन ज्यादा हो तो रिवेन्यू बढ़ेगा, नहीं जरूरी नहीं है ना ऐसा, ठीक है। अगर एम आर कम हो रहा है या निगेटिव पहुंच गया है तो जरूरी नहीं टी आर बढ़े। ग्रेटर प्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज मीन ग्रेटर रिवेन्यू मीन्स ग्रेटर टी आर, ज्यादा टी आर फूड नहीं हो जाएगा। प्राइस ए आर में फॉल so much that higher output may yield lower TR, ऐसा भी हो सकता है कि कीमतें बहुत कम हो जाए, आपको ज़्यादा बेचना है तो कीमत कम करना पड़े, कीमत कम करने से क्या हो सकता है, TR जो है हमारा कम हो जाए। Second question, greater revenue always implies higher profit of a firm, profit तो cost पे भी depend करता है ना, revenue अगर बढ़ रहा है ठीक है, हम ज़्यादा बेचना है तो ज़्यादा हमें प्रोडक्शन भी करेगा करना पड़ेगा ना, और प्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, पहले क्या होता है मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजे देन मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स, पहले मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है फिर मार्जिनल प्रोडक्ट कम होता जाता है, ठीक है। सो अवर कॉस्ट फॉर डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, हमारी जो कॉस्ट होती है मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट जो है पहले घटती है फिर बढ़ती है, होता है कि नहीं है, कॉस्ट हमारी पहले घटती है फिर बढ़ती है, ऐसे पढ़े थे ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण, अगर ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो हमारी कॉस्ट तो शुरुआत में कम हो रही है जब फर्स्ट फेज के प्रोडक्शन में रहेंगे, और जैसे ही एम पी जो है ना घटना शुरू हो जाएगा तो कॉस्ट फिर बढ़ने लगेगी, ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारी कीमत कॉस्ट बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि ज़्यादा टीआर हो तो हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा हो, कॉस्ट भी देखना है, कॉस्ट के बारे में तो कुछ बताया नहीं है इसने। ग्रेटर रेवेन्यू ऑलवेज इम्प्लाइज हायर प्रॉफिट ऑफ ए फर्म, नो फॉल्स, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, देयरफॉर ग्रेटर रेवेन्यू वुड नॉट मीन हायर प्रॉफिट व्हेन Increase in TR is less than increase in TC. TC ज़्यादा बढ़ गई और TR कम बढ़ गया तो फिर कैसे फिर प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। टोटल रिवेन्यू इज द सेम इज द सम टोटल ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू, सही है। TR कर ऑलवेज सूट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ये भी TR जो है किनारे से बढ़ेगी, टोटल रिवेन्यू जब हम बेचेंगे, जब कुछ नहीं बेचेंगे तो जीरो है, जब कुछ बेचेंगे तब तो टी आर ऊपर जाएगी, तो ओरिजिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन मीन्स जीरो, वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ टच ईच अदर, ये होता है जीरो जो है ना, जहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शुरू होती ना, ये जहाँ पे जीरो वैल्यू है इसको बोलते हैं ओरिजिन, तो ओरिजिन से ही शुरू होती, जब कुछ नहीं बेचेंगे तो फिर जीरो ही हमारा रहेगा रिवेन्यू। अब इसके बाद है ए आर कर्व डज नॉट शूट फ्रॉम द ओरिजिन, ए आर कर्व जो है ओरिजिन से नहीं शुरू होती है, क्योंकि जीरो से कोई कुछ डिवाइड करेंगे तो इंफिनिट हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। ट्रू, ए आर इज इक्वल टू प्राइस, कर्व डज नॉट शूट फ्रॉम द ओरिजिन बिकॉज द मार्केट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज ऑफन नॉट जीरो, किसी भी वस्तु की जो बाजार कीमत है कभी जीरो नहीं होती है, इसलिए कहीं ना कहीं से शुरू होगी, वाई एक्सिस से शुरू होगी ए आर, ए आर इज इक्वल टू जीरो व्हेन टी आर इज मैक्सिमम, सही है, सॉरी नहीं गलत है, जब एम आर जीरो होता है तब टी आर मैक्सिमम होता है, ए आर अगर जीरो है तो टी आर भी जीरो होगा,
बिकॉज टी आर इज इक्वल टू ए आर इंटू क्वान्टिटी, जीरो से किसी चीज को मल्टीप्लाई करें तो जीरो भी फिर आंसर आएगा. टी आर इज इक्वल टू जीरो इंटू क्यू करेंगे तो जीरो आएगा, चाहे जितना भी क्वांटिटी करें. तो टी आर मैक्सिमम बता रहे हैं, जीरो थोड़ी नहीं बता रहे हैं. टी आर तो मैक्सिमम करने के लिए फिर हमें ए आर कुछ ना कुछ होना चाहिए. टी आर मैक्सिमम कब होता है? जब एम आर जीरो होता है. टी आर मस्ट इंक्रीज व्हेन एम आर इज फॉलिंग. हाँ, एम आर जब तक निगेटिव नहीं होता है तब तक टी आर बढ़ता है, ठीक है. पॉजिटिव आर विल इंक्रीज ओनली व्हेन एम आर इज पॉजिटिव. जब तक एम आर पॉजिटिव है तब तक टी आर बढ़ेगा, और अगर ये निगेटिव हो गया एम आर तो फिर टी आर घटेगा. टी आर विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग व्हेन एम आर इज फॉलिंग एंड इज निगेटिव. दोनों कंडीशन हो, एम आर कम होने के साथ साथ ऋणात्मक हो, दोनों बातें हो, तब टी आर घटेगा. और एम आर केवल घट रहा है लेकिन ऋणात्मक नहीं है, निगेटिव नहीं है, तो टी आर नहीं घटेगा. When price is constant, AR is equal to MR होता है. MR is greater, AR is greater than MR नहीं होता है, दोनों बराबर होते हैं. When price reduces, as output increases, ये भी गलत है. अगर price कम करेंगे तो AR ज़्यादा रहेगी, MR कम रहेगी, दोनों कम होते जाएंगे. MR में fall ज़्यादा होगा, AR में कम होगा. MR tends टू फॉल इवन वेन ए आर इज कॉन्स्टेंट. गलत है. वेन ए आर इज कॉन्स्टेंट, एम आर इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, बिकॉज एंड ए आर इज इक्वल टू एम आर. अगर ए आर यानी कीमत स्थिर है तो ए आर एम आर दोनों बराबर होते हैं और स्थिर होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में. वेन एम आर इज जीरो, टी आर इज मैक्सिमम, सही है. इसके बाद जीरो के बाद निगेटिव हो जाता है एम आर, तो जब निगेटिव होगा तो टी आर भी घटने लगेगा उसके बाद. एम आर इज द स्लोप ऑफ टी आर, बिल्कुल सही है. अंडर परफेक्ट कंपटीशन ए आर एंड एम आर कर्व्स टेंड टू स्लोप डाउनवर्ड. नहीं, दोनों कॉन्स्टेंट बराबर रहती हैं, हॉरिजॉन्टल रहती हैं. अंडर मोनोपोली ए आर एंड एम आर कर्व्स आर इंडिकेटेड बाई, नहीं हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, डाउनवर्ड होते हैं. हॉरिजॉन्टल तो परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं. अंडर परफेक्ट कंपटीशन रेट ऑफ टी आर नेवर डिक्लाइंस, सही बात है. टी आर का रेट नहीं घटता है क्योंकि कॉन्स्टेंट रेट पे कॉन्स्टेंट रेट रहता है, रेट कभी बदलता नहीं है, प्राइस कभी चेंज नहीं होता है. ए आर एंड टी एम आर बोथ रिमेन कॉन्स्टेंट एंड इक्वल. ए आर और एम आर दोनों बराबर रहते हैं और स्थिर रहते हैं. जब एम आर स्थिर रहेगा तो फिर टी आर में जो इंक्रीज होगा वो भी स्थिर रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है. तो कभी अंडर परफेक्ट कंपटीशन रेट ऑफ टी आर नेवर डिक्लाइंस, बट अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इट डज. मोनोपोली कंपटीशन में ऐसा होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी ऐसा होता है. तो हाँ होता है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में ज्यादा बेचने के लिए हमें कीमत कम करनी पड़ेगी तो नीचे जाएगा फिर. बिकॉज रेट ऑफ टी आर इज इक्वल टू एम आर which is constant under perfect competition but tends to decline under monopoly and monopolistic competition. AR is always greater than MR under monopoly. एकाधिकार में AR हमें ये तो रहेगा, जब कीमत कम होगी तो AR ज़्यादा रहेगा, MR कम रहेगा. Monopoly TR curve increases only at a diminishing rate. हाँ, diminishing rate में बढ़ता है टी आर, क्योंकि अगर ज़्यादा बेचना है तो हमें कीमत कम करनी पड़ेगी. कीमत कम करनी पड़ेगी तो एम आर तो और भी कम हो जाएगा. एम आर मीन्स रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टी आर. टी आर में बढ़ने की दर पता चलती है एम आर से. एम आर कम होगा तो टी आर में बढ़त तो होगी लेकिन कम होगा, कम होगी बढ़त पहले से. किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे जल्दी, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है. अब ये वाले क्वेश्चन अपने आप पढ़ना, 10 मिनट का टाइम बचा है. किसी का कुछ भी किसी का कोई प्रॉब्लम है वो बताए, कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर का. है किसी को कोई समस्या? बोलो.
कौन है साहिल सर? हाँ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए सर। ये वाले जो करेक्टरिस्टिक्स है ना परफेक्ट कंपटीशन की, देखो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगला जो चैप्टर आएगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, ठीक है। अभी इसके रिवेन्यू के बारे में केवल पता करो कि रिवेन्यू इन सब में कैसे कर्व रहती है, बस अभी तक इतने में ही हमको देखना है कि रिवेन्यू कैसे होती है। और परफेक्ट कंपटीशन के जो क्या बोले थे प्रॉपर्टीज में, तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, और क्या होते हैं फ्री एग्जिट और फ्री एंट्री ऑफ फर्म्स, कोई भी फर्म कभी भी एग्जिट कर सकती है, बाहर जा सकती है, कभी भी कोई भी नई फर्म आ सकती है, और बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, फर्म्स प्राइस लाइन और एवरेज रिवेन्यू कर्व इज हॉरिजॉन्टल, प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट, एनी सेलर कैन सेल एनी नंबर ऑफ क्वांटिटी इन द मार्केट, मार्केट में दी गई कीमत पर कोई भी विक्रेता कुछ भी बेच सकता है, ठीक है। ए फर्म इज अ प्राइस टेकर अंडर परफेक्ट कंपटीशन, नॉट प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म होती है वो क्या होती है, कीमत स्वीकारक होती है, कीमत निर्धारक नहीं होती है। तो इनके सबके जो कारण हैं डिटेल में पढ़ेंगे हम सब अगले वाले जो चैप्टर है सप्लाई के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। और बताओ इस चैप्टर में या इसके पहले वाले जो चैप्टर हैं, अब कल देखो क्या होगा, कल जो है ना इसी चैप्टर का रिवीजन होगा, तो फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे सबसे, ठीक है। इसी चैप्टर को ध्यान से पढ़ के आना।